आसाराम बापू को कौन नहीं जानता है। भारत ही नहीं, कई देशों में उनका आश्रम है और उनके करोड़ों चाहने वाले हैं। आसाराम बापू वर्तमान समय में एक कथित आरोप की वजह से पिछले 8 सालों से जोधपुर के जेल में बंद हैं। आज हम आपको बताते हैं आसाराम बापू कौन थे और इनका पूरा नाम क्या था। आइए जानते हैं आसाराम बापू की जीवन यात्रा। आसाराम बापू का पूरा नाम आसुमल थाउमल सिरुमलानी अथवा आसुमल सिरुमलानी था। इनका जन्म 17 अप्रैल 1941 को ब्रितानी भारत के नवाबशाह जिले के बेरानी गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उनकी मां का नाम महंगीबा एवं पिता का नाम थाउमल सिरुमलानी था। 1947 में भारत विभाजन के समय वे और उनके परिवार के सभी लोग भारतीय अधिराज्य के गुजरात राज्य के अहमदाबाद में स्थापित हो गए। धन वैभव सब कुछ छूट जाने के कारण परिवार आर्थिक संकट के चक्रव्यूह में फंस गया। अहमदाबाद जाने के बाद आजीविका के लिए थाउमल ने शक्कर बेचने का व्यवसाय आरंभ किया। पिता के निधन के बाद उन्होंने अपनी मां से ध्यान और आध्यात्मिकता की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने घर छोड़ दिया और देश भ्रमण पर निकल पड़े। भ्रमण करते करते वे स्वामी श्री लीला शाहजी महाराज के आश्रम नैनीताल चले गए। अपने व्यक्तिगत जीवन में आसुमल ने लक्ष्मी देवी से विवाह कर लिया, जिससे उनके एक पुत्र नारायण साई और एक पुत्री भारती देवी हुए। नैनीताल में गुरु से शिक्षा लेने के बाद गुरु ने नया नाम दिया आसाराम। फिर आसाराम घूम घूम कर आध्यात्मिक प्रवचन के साथ साथ स्वयं भी गुरु दीक्षा देने लगे। उनके सत्संग कार्यक्रमों में श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंचने लगे। तब से वे भारत में प्रसिद्ध हो गए। अब वे आसाराम से आसाराम बापू बन गए। उनके भक्तों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती चली गई और करोड़ों लोग उनके भक्त बन गए। आसाराम बापू से आशीर्वाद लेने के लिए बड़े से बड़े लोग कतार में खड़े रहते थे। क्या मुख्यमंत्री, क्या प्रधानमंत्री, सभी उनके भक्तों में शामिल हैं। उनका आश्रम देश विदेश में बनने लगा और भक्त जन बापू की शरण में सुकून का अनुभव करते थे। लेकिन 2013 में एक नाबालिग लड़की ने आसाराम बापू पर केस का इल्जाम लगाया और उसके बाद आसाराम बापू को जेल हो गया। तब से अब तक आसाराम बापू जोधपुर जेल में ही बंद है। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।